नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। तो दोस्तों, इस वीडियो में 12 वोल्टेज प्लस और 12 वोल्टेज माइनस के दोस्तों सप्लाई बनाएंगे। दोस्तों, एक कैपेसिटर है 2200 UF 35 वोल्टेज। तो दोस्तों, जिस तरफ इसमें पट्टी बनी हुई होती है या दोस्तों माइनस का सिरा होता है, दोस्तों आपको पता ही होगा। जिस तरफ दोस्तों पट्टी नहीं बनी होती है वो प्लस का सिरा होता है। तो दोस्तों, सप्लाई बनाने के लिए दो कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, दो कैपेसिटर ले लिए हैं। अब दोस्तों क्या करना है, एक दोस्तों इसमें प्लस का सिरा और एक दोस्तों इसमें माइनस का सिरा। देखिए दोस्तों, ये पट्टी बनी हुई है, ये माइनस का सिरा, और दोस्तों दूसरे में जिस तरह पट्टी नहीं बनी हुई हुई है दोस्तों, उसका प्लस का सिरा। तो दोस्तों दोनों सिरे आपस में जॉइंट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी पिन को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, जिससे दोस्तों ये बिल्कुल पास पास हो जाएं, ज़्यादा दूर ना रहें। इस तरह से दोस्तों इसमें करके इसको सोल्ड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, काइया की मदद से इसको सोल्ड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों इसमें लगेंगे चार डायोड। देखिए दोस्तों, एक डायोड हैं, तो दोस्तों इसमें चार डायोड लगेंगे। दोस्तों इस डायोड का नंबर है 5408। देखिए दोस्तों, 5408 इसका नंबर है। तो दोस्तों चार डायोड इसमें लगेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव सिरा है। देखिए दोस्तों, जिस तरफ पट्टी बनी हुई होती है वो दोस्तों हमारा पॉजिटिव, और जिस तरफ पट्टी नहीं बनी हुई होती है वो दोस्तों हमारा नेगेटिव सिरा होता है। तो दोस्तों अब क्या करना है, दोस्तों एक दोस्तों पॉजिटिव सिरा और एक दोस्तों नेगेटिव सिरा आपस में जॉइंट कर लेना है। इस तरह से दोस्तों, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। तो दोस्तों इसको कटर की सहायता से थोड़ा दोस्तों इसको आधा आधा काट लेंगे, कि दोस्तों इसको पास पास में जॉइंट हो जाए। देखिए दोस्तों, एक पॉजिटिव सिरा काट दिया है और एक नेगेटिव सिरा काट दिया है। अब दोस्तों इसको आपस में सोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इसको भी चलिए सोल्ड कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको सोल्ड करने के लिए दोस्तों इसको चिमटी में दबा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हिले ना। तो इसको भी दोस्तों काजा की मदद से सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी सोल्ड कर लिया है। दोस्तों इसी तरह से जो दूसरे डायोड लगे हुए हैं दोस्तों, इनको भी आपस में सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी सोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों क्या करना है, जो कंडेंसर में टांके लगे हुए थे, तो दोस्तों इसमें एक पॉजिटिव पिन थी और एक दोस्तों नेगेटिव पिन थी। देखिए दोस्तों, इसको सीरीज कर लिया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दोस्तों दूसरी तरफ जो नेगेटिव पिन है, और दोस्तों इस तरफ पॉजिटिव पिन है। तो इसी में दोस्तों डायोड को जॉइंट करना है। दोस्तों नेगेटिव डायोड को नेगेटिव की तरह, देखिए दोस्तों जिस तरफ पट्टी बनी हुई होती है वो दोस्तों पॉजिटिव डायोड होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव डायोड को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो बारी बारी से दोनों तरफ इसको सोल्ड कर लेना है। एक तरफ दोस्तों इसको सोल्ड कर लिया है, दूसरी तरफ भी दोस्तों इसको सोल्ड कर लिया है। दोस्तों अब इसी तरह दूसरे डायोड को भी जॉइंट कर लेते हैं, फिर उसके दोस्तों बाद में करंट चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों उसी तरह जॉइंट कर लेना है, प्लस को प्लस की तरफ और माइनस को माइनस की तरफ। तो दोस्तों दूसरी तरफ भी इसको जॉइंट कर लेते हैं, दोस्तों सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरफ भी इसको सोल्ड कर लिया है। तो दोस्तों जो बाकी बची हुई पिन है, तो दोस्तों इसको काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से सोल्ड करना है। अब दोस्तों लेना है एक 12012 का ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, यह है 12012 का ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों इसमें दो तरफ वायर लगे हुए हैं, एक तरफ दोस्तों लाल रंग के दो वायर और एक तरफ दोस्तों तीन वायर, दो काले और एक नीले रंग के। तो दोस्तों जो बीच में जो नीला वायर लगा हुआ है, ये दोस्तों इसमें जो कंडेंसर लगे हुए हैं प्लस और माइनस, इनके बीच में दोस्तों लगाना है।
इस तरह से दोस्तों। और दोस्तों दो काले वायर बचे हुए हैं ये दोस्तों। तो दोस्तों इसको जो डायोड लगे हैं दोस्तों इनको बीचों बीच में लगाना है इस तरह से दोस्तों। दूसरी तरफ भी लगा देना है। देखिए दोस्तों एक कंडेंसर के बीच में और दो दोस्तों डायोड के बीचों बीच में। दोस्तों ये बिजली के तार हैं तो दोस्तों इनको बिजली में लगाते हैं। फिर दोस्तों इसको डिजिटल मीटर से चेक करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको बिजली से कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों डिजिटल मीटर से इसके वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों डिजिटल मीटर को डीसी की तरफ लगाते देते हैं। देखिए दो 200 वोल्टेज डीसी। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, जो काली प्राव है वो दोस्तों नीले रंग के वायर में लगाना है बीचों बीच में, बिल्कुल दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों दूसरा है, देखिए दोस्तों कंडेंसर के प्लस के सिरे में, ये दोस्तों माइनस के। देखिए दोस्तों 20 वोल्टेज माइनस और दोस्तों इस तरफ 20 वोल्टेज प्लस। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर लोड नहीं है इसलिए दोस्तों ये 20 वोल्टेज निकाल रहा है। दोस्तों इसका इस्तेमाल होम थिएटर 30-55 ट्रांजिस्टर की मशीन और दोस्तों 5200 ट्रांजिस्टर में भी किया जाता है।